जब से इंसानों का विकास हुआ है, इंसानों ने एक से एक आविष्कार किए हैं। इन आविष्कारों ने उनके कार्यों को काफी आसान बनाया है। वहीं इंसानों ने बहुत बड़े बड़े वाहनों को भी बनाया है, जिनकी सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है। आपने फिल्मों में अक्सर बहुत बड़े बड़े वाहनों को देखा होगा, जो बहुत ज्यादा मात्रा में सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे ही 5 सबसे बड़े वाहनों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है द कैटरपिलर 797। इसको दुनिया के सबसे बड़े खनन ट्रक में से एक माना जाता है। कैटरपिलर 797 संयुक्त राज्य में कैटरपिलर इंक द्वारा विकसित ऑफ हाईवे अल्ट्रा क्लास 2XL मैकेनिकल पावर ट्रेन हॉल ट्रक है। इसको विशेष रूप से हाई प्रोडक्शन माइनिंग और हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन के कार्यों के लिए बनाया गया है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 7.6 मीटर और चौड़ाई 40.5 मीटर है। इस एक ट्रक की कीमत 36 करोड़ भारतीय रुपए है। इस ट्रक के एक टायर की कीमत 2 करोड़ रुपए है और वजन 15,000 किलो है। ये ट्रक एक बार में 345 टन की पेलोड क्षमता का सामान ले जा सकता है। इसकी कई जनरेशन है, जिसको हर साल उन्नत किया जाता है। नासा क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। 1965 में नासा ने 2 क्रॉलर ट्रांसपोर्टरों को अपने लॉन्च पैड पर रॉकेट ले जाने के लिए विकसित किया था। उस समय ये बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष शटल ट्रांसपोर्टर दुनिया के सबसे बड़े स्वसंचालित भूमि वाहन थे। ये 39,929 मीटर लंबे, 6,096 मीटर चौड़े और 34,974 मीटर ऊंचे थे। इनको उस समय हंस और फ्रांज नाम दिया गया था। इनको अंतरिक्ष शटल को असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ट्रांसपोर्टरों को मैरियन पावर सॉल कंपनी द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया था। इसमें जो कंपोनेंट लगे थे, उसको रॉकवेल इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था। इस प्रत्येक ट्रांसपोर्टर को बनाने में 14 मिलियन यूएस डॉलर की लागत आई थी। TC-497 ओवरलैंड ट्रेन। 1950 के दशक में अमेरिकी सरकार ने टेक्सन की एक कंपनी को इन पहियेदार भूमि ट्रेनों को डिजाइन करने के लिए कहा था, जो रेलवे लाइन की आवश्यकताओं के बिना काम कर सकता था। इसको इसलिए बनाया गया था कि युद्ध की स्थिति में रूस द्वारा ट्रेन लाइनों को नष्ट करने के बाद इससे आर्मी की सप्लाई की जा सके। ये 30 फीट लंबा था और इसमें 54 पहिया ड्राइव थे। इसको 570 फीट तक स्ट्रेच किया जा सकता है। लिमोजिन। इसको जाने माने डिजाइनर जे ओहबर्ग ने डिजाइन किया है। इस कार की लंबाई 30.5 मीटर यानी करीब 100 फीट है। इस कार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे लंबी कार के तौर पर दर्ज किया गया है। इस लंबी कार में सुपर लग्जरी कार की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि इस कार का इस्तेमाल ज्यादातर एग्जीबिशन के लिए किया जाता है। इस कार में ईंधन भरवाने के लिए पूरे के पूरे पेट्रोल पंप को ही खाली करवाना पड़ता है। इस कार पर हेलीकॉप्टर भी लैंड किया जा सकता है। टेरेक्स बुकेरस RH-400। इस मशीन को बड़े पैमाने पर खुदाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको मूल रूप से 1997 में जर्मनी में टेरेक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कंपनी को कैटरपिलर ने 7.6 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया था। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।